नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जानेंगे आज 1 अक्टूबर के दौरान प्रदेश भर का मौसम कैसा रहेगा, कहां कहां बरसात होगी। आज 1 अक्टूबर की बात करें तो प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कई एरियों के लिए बरसात की होगी। पश्चिमी राजस्थान के फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, गढ़ा रोड, धोरीमीन, बालोतरा, पचपदरा से लेकर सीढ़वा, सेड़वा, बाकासर, जालौर, सिरोही, सांचूर, भीनमाल से लेकर तमाम इलाकों की बात करें तो लगभग दक्षिणी पश्चिमी दिशा से तेज हवाओं के साथ दिन भर शुष्क भरा मौसम रहेगा। वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा इधर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। हालांकि आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी। बात करें अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक से लेकर जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सिटी और गंगापुर सिटी से लेकर कहीं ना कहीं टोंक, कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़ में बात करें तो लगभग उत्तर पश्चिमी दिशा से कोटा संभाग, अजमेर संभाग की ओर, भीलवाड़ा की ओर हवा चलने के साथ दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी और शुष्क मौसम बना रहेगा 1 अक्टूबर के दौरान। इसी के अलावा अलवर से लेकर सीकर, वहीं बीकानेर, नागौर, नौखा, सुजानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू से लेकर गंगापुर सिटी से लेकर और गंगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पल्लू से लेकर रावतसर, नोहर, भादरा के इलाके यहाँ पूरी तरह से आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और शुष्क भरा मौसम रहेगा। 1 अक्टूबर के आसपास कोई ज़्यादा बारिश की संभावना आपको बताते चले, कोई आज ज़्यादा बारिश की संभावना 1 अक्टूबर के दौरान नहीं रहेगी। कहीं भी बरसात की संभावना काफ़ी कम लगाई जा रही है। हालांकि आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आगे की बात करें तो आगे 1 अक्टूबर के बाद आपको बता दें कहीं ना कहीं 1 अक्टूबर के बाद आगे मौसम कैसा रहेगा। लगभग 5 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 5 व 6 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। उस दौरान कुछ इलाकों के लिए हल्की फुल्की उत्तर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के सीमावर्ती बेल्ट के लिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्के फुल्के बादल आने के कारण बरसाती बादल पहुँच सकते हैं। वहीं 9 से 10 अक्टूबर के आसपास दक्षिणी राजस्थान में फिर से बरसात की गतिविधियां दर्ज होगी। आगे की जानकारी आपको समय अनुसार मिलती रहेगी और लगातार जुड़े रहे आप इस चैनल से। आगे मौसम की अपडेट की जानकारी लगातार आपको बिल्कुल सही सटीक अपडेट हमेशा इसी तरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद।